नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल के माध्यम से आपको सारे इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर आपका फंड डबल के आसपास कर चुके हैं, क्योंकि इसका 52 वीक का लो था 52 रुपीस और 52 वीक का हाई है 101 रुपीस, मतलब 100 से भी ज्यादा इसका प्राइस देखने को मिला था। इसका मतलब एक साल के अंदर अंदर कंपनी आपका फंड डबल के आसपास कर चुके थे। अभी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आता रहते हैं कि सर IDFC फर्स्ट बैंक क्या फ्यूचर में मल्टीबैगर कंपनी बन सकते हैं। तो देखिए, मल्टीबैगर कंपनी बनने के लिए इसका मार्केट कैप को बहुत छोटा होना चाहिए था, मगर अभी जिस तरीके से इसका मार्केट कैप देखने को मिला है उस सिचुएशन को कैलकुलेशन करके देखूं तो इसका मल्टीबैगर बनने में मतलब मल्टीबैगर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इसको एफर्ट देना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और भी कहूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है जो बुरी तरीके से खराब हो गया था, उस खराब सिचुएशन को कंपनी ने कंट्रोल किया। कितना कंट्रोल किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो रेवेन्यूज देखिए लगातार बढ़ते चले गए। पिछली बार जो कंपनी का सेल्स था उस सेल्स से कंपनी कई गुना ज्यादा इस बार सेल्स को इंक्रीज किए। अभी सितंबर मंथ का डेटा आना बाकी है, तो सितंबर का क्वार्टर टू का रिजल्ट अगर आएंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर सेल्स किस तरीके से हो रहा है। कंपनी के बाद एक सेल्स के बाद कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे मेंटेन्स हो रहा है, अच्छा खासा एक्सपेंस भी हुआ, इंटरेस्ट भी कंपनी अच्छा खासा पेमेंट किए और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का अलग लेवल का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो जो कंपनी लॉस किए थे 2021 में, उस कंपनी 2022 में अच्छा खासा प्रॉफिट भी किए, 2023 में और भी शानदार प्रॉफिट किया। तो कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते चले गए। अभी एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको साथ शेयर करूँ कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी का रिजर्व 11,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 19,000 करोड़, ये तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 90,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 2,01,000 करोड़ के आसपास, मतलब 90,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 2,00,000 से भी ज्यादा। तो यहाँ पे कंपनी का जो बोरिंग्स है वो पिछली बार के मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी का बोरिंग्स 50,00,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी इस पॉइंट को आप प्लस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे कि नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे, मैं तो जरूर इसको प्लस पॉइंट के हिसाब से देखूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कर्जा लेना तो खराब होता है, बैंक कोई भी अगर कंपनी कर्जा लिया तो वो तो कंपनी बर्बाद हो सकते हैं, मतलब प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा अगर कर्जा है तो वो कंपनी के ऊपर तो बर्बादी होना स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब कोई बैंकिंग कंपनी और कोई फाइनेंस कंपनी कर्जा ले रहा है तो आपको ये देखना है कि वो बैंक्स और जो फाइनेंस कंपनी है वो किस बेसिस में कर्जा लिया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास कर्जा ज्यादा है तो सोचिएगा वो कंपनी गलत दिशा में जा रहा है, अगर आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से कर्जा है तो मानना वो कंपनी सही दिशा में जा रहा है। इसका मतलब आदर्श बोरिंग्स क्या होते हैं, मान के चलिए बैंक के पास पैसा है, उस बैंक को पैसा लोन्स के हिसाब से बांधना है, तो वो बैंक जो पैसा मार्केट से उठाया है वो सारे के सारे पैसा जो कर्जा लिया है वो सारे के सारे पैसा लोन्स बांटने के लिए लिया है तो ठीक है। अगर बैंक खुद को सस्टेन करने के लिए बैंक खुद कर्जे में डूबे हुए हैं तो वो बैंक अगर खुद को सस्टेन करने के लिए अगर कर्जा लिए जा रहा है तो वो बैंक्स आपको बहुत बड़ा खतरा दे सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते चले गए और एज ए इन्वेस्टर शायद इस कंपनी के ऊपर कुछ बड़ा धमाका होगा पहले से उसको पता था, तो इसलिए वो पहले से ही अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड करते चले गए और अच्छा खासा एक प्रॉफिट वो कमा चुके हैं। देखिए यही गलती कर लेते हैं हम लोग, जब शेयर करेक्शन होता है जब गिरते हैं तो हम लोग कंपनी को बेकार कह के भाग जाते हैं और जब कंपनी भागना स्टार्ट कर देते हैं तब वो कंपनी के ऊपर हम लोग एंट्री करते हैं और इंस्टीट्यूशन ऐसा काम नहीं करते। इंस्टीट्यूशन जब करेक्शन हुआ इस नीचे लेवल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदारी करते हैं और अपर साइड में जाकर वो बेचते रहते हैं जहाँ पे हम लोग खरीदारी करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के जैसे सोचना पड़ेगा तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, आप देखेंगे अपडेट क्या है, IDFC गेट्स अप्रूव्ड मतलब अप्रूवल हो चुके हैं फ्रॉम CCI फॉर द मर्जर विद IDFC फर्स्ट बैंक। तो देखिए
एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है। ठीक है, आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही मर्ज हो चुके हैं, तो बहुत सारे कंपनीज मर्ज हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो आइनॉक्स और पीवीआर ये भी मर्ज हो चुके हैं। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज एक के बाद एक मर्ज होता जा रहा है। तो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है और दोनों का बिजनेस देखा जाए तो सेम टू सेम है। थोड़ा सा चेंज है, आईडीएफसी एक एनबीएफसी कंपनी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक फाइनेंस कंपनी है, और ये दोनों कंपनी क्या कर रहा है, मर्ज होने के लिए तैयारी कर रहा है और ऑलमोस्ट वो अप्रूवल मिल चुके हैं सीसीआई से। अभी सीसीआई क्या होते हैं आप देखेंगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इस सेक्टर से जब तक अप्रूवल ना मिले तो कोई भी कंपनी मर्ज कर नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से मर्जेस डील होने के बाद मुझे लगता है कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रेशराइज हो भी सकता है क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी प्रेशर बना था, अभी भी प्रेशर है, तो वो उसको रिकवरी जब करेंगे तो बड़ा धमाका जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए, रिलैक्सो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और इंडिया के जितने सारे फूड्स इंडस्ट्रीज है उनमें से रिलैक्सो का नाम सबसे ऊपर देखने को मिला था। और जब से रिलैक्सो ने खुद का मार्केट शेयर खराब करना स्टार्ट किए, मार्केट शेयर गिरते रहे खुद के, तो तब से लेकर कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हुआ, चेंजिंग हुआ, जिसके चलते है कंपनी आज सेकेंड पोजिशन में है। सेकेंड पोजिशन के है मतलब क्या है, जो मेट्रो बैंड कंपनी है वो एक्चुअली थर्ड पोजिशन में था, वो आज बन चुके हैं नंबर वन क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत बढ़ चुके हैं और रिलैक्सो नंबर टू में पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि सर मैं रिलैक्सो को बेचकर मेट्रो बैंड खरीदारी कर लूँ। देखिए, ऐसे मत करिएगा। आपको अगर रिलैक्सो के ऊपर भरोसा है, उसके बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो आप जरूर उसके ऊपर कंटिन्यू करिए। और मेरे तो मुझे जितने सारे फूडस कंपनी दिखते हैं उससे सबसे ज्यादा मैं रिलैक्सो के ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के साथ साथ इसका मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है जो मार्केट शेयर जो गिरा था उस मार्केट शेयर को वो फिर से रिकवरी करेंगे 2025 से पहले। तो सोचिए कंपनी का इतने जल्द से जल्द उसको रिकवरी करना, अभी देखना चाहिए कि एक्चुअली रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर रिकवरी कर लिया तो सोचिए रिलैक्सो फिर से नंबर वन बन सकते हैं। तो नंबर वन नंबर टू से क्या फर्क पड़ता, अगर कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, वो किसी भी पोजिशन में रहे वो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट जरूर देंगे। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट दिखाने से पहले मैं एक कंपनी का फाइनल डेट दिखा देता हूं। कंपनी 1 नवंबर में क्वार्टर थ्री का रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाला है। तो उससे पहले देखिए प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो शानदार है। कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज करने के बाद, एक्सपेंस को मेंटेन्स करने के बाद, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है सब कुछ पेमेंट्स करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखिए 39 करोड़ से बढ़ के हो चुके 56 करोड़। और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया आपको। देखिए सालाना बात करूँ तो 36% के आसपास 10 साल में रिटर्न दिया। आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर एटलीस्ट 5 to 10 years होल्ड करना होगा। 5 साल में कंपनी कितना दिया, 21% के आसपास रिटर्न। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी आपको कुछ डिसीजन पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अभी एक चीज मैं और भी बता दूं कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूं तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद दो बार शोल्डर बना, अभी थर्ड टाइम शोल्डर बनने जा रहा है। इस थर्ड टाइम शोल्डर अगर कंप्लीट करके ब्रेकआउट करे तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करेगा। क्यों, क्योंकि जब कोई रेंज एक ही रेंज में बार बार वो शोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है, तो बायर उसको ऊपर लेके जाने के लिए बहुत तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए इस कंपनी के ऊपर। तो मेरा डिसीजन कुछ अलग है, आपका डिसीजन कुछ अलग हो सकते हैं। तो आपका डिसीजन क्या है मुझे कमेंट्स करके जरूर जरूर भेजिएगा। और हाँ, आप किस कंपनी की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर भेजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है IRFC। देखिए, जिसका चर्चा बहुत टाइम से मैं आपके साथ कर रहा हूँ और जो कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, अगर मैं इस कंपनी के एक साल के डेटा दिखा दूं तो 92 डिवाइड आपको मैं 21 कर दूं तो कंपनी आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो एक साल के अंदर अंदर 4 टाइम्स के आसपास रिटर्न देना कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका फंड अगर 1 लाख रुपया था इस कंपनी के ऊपर निवेश, तो एक साल के बाद आपका 4 लाख हो जाएगा। तो सोचिए कहां से कहां तक आप पहुंच जाएंगे। मगर एक चीज आप याद रखना कि अगर आप बिजनेस को सोचकर समझकर काम कर रहे हैं और इस तरीके से पैसा बन रहा है तो आप एक दिन करोड़ों जरूर कमा लेंगे। अगर आप बिजनेस को ना सोचकर दूसरे को बात सुनकर निवेश कर रहे हैं तो वहां पे आपको शायद 4 नहीं 4 करोड़ भी मिल जाए, तो भी वो 4 करोड़ आपको जीरो में आ सकते हैं।
इस बात को आपको याद रहना है, आपको हमेशा स्टॉक के ऊपर नहीं, आपको बिजनेस को समझकर काम करना है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो कंपनी 100% जो मार्केट को लोन देते हैं, मतलब जो कस्टमर को लोन देते हैं, वो 100% मार्केट से उठा पा रहा है। तो यही इस कंपनी का सबसे खासियत है और मुझे लगता है ये खासियत चेंज होने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने एक डिसीजन लिया कि अभी वो गवर्नमेंट कंपनी को लोन इतने सालों तक दे के आ रहा है जहां से उसको 100% रिटर्न मिलता था, अभी गवर्नमेंट के साथ साथ वो कुछ प्राइवेट कंपनी को भी लोन देना स्टार्ट करेंगे। अभी प्राइवेट कंपनी जब इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, आप कहेंगे सर क्या गवर्नमेंट कंपनी लोन को डिफॉल्ट नहीं करते? हाँ करते हैं, फिर भी गवर्नमेंट उसको टेकअप करके उसको फिर से आगे बढ़ने के लिए वो लोन कभी ना कभी किसी न किसी जगह से वो उसको कर्जे को वो मतलब रिलीव भी कराते हैं। तो इस कंपनी में दो पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा। एक है प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स, 86% के आसपास होल्डिंग्स है और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए किसी भी मतलब कंपनीज के पास, किसी भी मतलब कंपनी के ओनर के पास। तो यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे जो 75% का होल्डिंग है इसका मतलब 11.4% के आसपास जो होल्डिंग्स है इसको बेचना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर शेयर को बेचेंगे तो एक बिग क्रैश और बिग डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करके इसीलिए रखा है क्योंकि जब तक उसका होल्डिंग कम ना हो तब तक वो खुद का स्टेक नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि कंपनी छोटा है तो इसलिए निवेश नहीं किया, छोटा नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप देख लिए 1,00,000 करोड़ के आसपास है, एक ब्लू चिप कंपनी हम बोल सकते हैं। तो इतने बड़े कंपनीज के ऊपर भरोसा करना तो चाहिए था, फिर भी भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक शेयर को नहीं बेचेंगे तब तक वो भरोसा नहीं करेंगे। और रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी अलग लेवल का सेल्स हर क्वार्टर में बढ़ाते चले जाए और कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़े, मतलब सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और जब जब मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया वो मैं आपको आपके साथ शेयर भी किया। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो कंपनी इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आए और मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया कुछ इस तरीके से, कुछ पैटर्न ट्रेड हो रहा था तो इस लेवल्स को ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके वो मुझे लगता है यहाँ तक वो टारगेट जरूर दे सकता है। तो यहाँ पे एक एंट्री लेवल्स बना है इस कैंडल के ऊपर, तो मुझे लगता है इस हायर लेवल तक वो टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखा जाएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। तो मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड नाम से आपको पता चलेगा कंपनी एक एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो कंपनी ने जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किए 2022 का नवंबर मंथ से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस था 460 के आसपास और आज कितना है 600 के आसपास, इसलिए शायद बोर्ड ने कुछ डिसीजन चेंज किया, बोनस देने का फैसला किया। 2022 में 18 अक्टूबर में कंपनी बोनस दिए था, मतलब बोनस दिया था 1:1 का, और फिर से देखिए सेम टू सेम मंथ में और डेट भी सेम टू सेम के आसपास है, फिर से एक बार एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो ये था कंपनी के अपडेट, कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट्स करके बताना आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को, और टोटली एडुकेशन पर्पस में मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर स्टडी करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।